हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में पढ़ा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है उसका, वो पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है जो आइसोटोनिक को डिटरमाइन करता है, और दूसरा हेमोलाइटिक मेथड क्या होता है जो हमारे आइसोटोनिक को या आइसोटोनिसिटी को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव मेथड भी बोल देते हैं। क्रायोस्कोपिक मेथड को कोलिगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस पे डिपेंड होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस पे डिपेंड होके इसका हम टेस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्रायोस्कोपिक मेथड की, तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं क्रायोस्कोपिक का। दिस मेथड इज डिपेंड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन सच एज देयर फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो क्रायोस्कोपिक मेथड होता है उस पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं मेन चीज, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्रायोस्कोपिक मेथड होता है उसको यूज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे दो बीकर ले लेते हैं, एक बीकर में हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा और एक में हमारा स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा, जिसमें हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर कितना होगा, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा भरा हुआ होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड वाले में, और एक टेस्ट ले लिया। अब दोनों का कंपेयर करेंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, ठीक है। ये सब जब हम देख लेंगे तब दोनों का कंपेयर करेंगे, तो रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा इसमें क्या क्या कमियां हैं, और ये हमारा आइसोटोनिक में ये हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है, ठीक है। ये सब हम इसी बेसिस पे निकाल लेंगे। तो आप समझ गए होंगे क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है। और दूसरा मेथड है हमारा हीमोलाइटिक मेथड, इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में, वैसे बहुत कम आता है लेकिन तब भी नॉलेज के लिए। हीमोलाइटिक मेथड में क्या होता है, ठीक, इसमें क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ वेरियस सोल्यूशन ऑफ ड्रग वॉज ऑब्जर्व ऑन अपेयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल सस्पेंडेड इन सोल्यूशन। जो RBC होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये RBC है, ठीक है, और RBC में कोई हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा यहाँ का ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, हाइपरटोनिक है, मतलब 0.9% से ऊपर है, हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इसको क्या करने लगेगा, इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको क्या बोलते, इस टर्म को बोलते हैं श्रिंकेज करना लगेगा, ठीक है। श्रिंकेज मतलब सकोड़ने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इस टाइप में इसको बाहर से प्रेशर देके, ये ऑस्मेटिक प्रेशर होगा इसको, ठीक। तो जब हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो जो RBC होगा अंदर, तो RBC को क्या करेगा, ऐसे जैसे ऐसे, तो इसको दबाने का प्रयास करेगा, कुछ ऐसे करने का प्रयास करेगा, ठीक है, छोटा करने का। तो ये हमारा माना जाएगा कि हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और दूसरा आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर आइसोटोनिक होगा मतलब उसका बैलेंस है, ऑस्मेटिक प्रेशर 0.9% है NaCl में, ठीक है। तो अगर आइसोटोनिक है तो आराम से जो हमारा RBC होगा तो इसमें सुरक्षित रहेगा, कोई भी उसमें हानि नहीं होगी अगर हमारा आइसोटोनिक है। अगर हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो RBC है वो सॉयल होने लगी, मतलब फूलने लगी कि हमारे ये वाले में, ठीक है, मतलब इसका जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन से इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसको हाइपोटोनिक कह दिया। और हाइपोटोनिक में क्या कंडीशन आ जाएगी कि इसका RBC जो है छोटा होने लगता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि हीमोलाइटिक मेथड के थ्रू कैसे हम चेक करेंगे कि कितना ये हमारा हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक। और बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मेथड ऑफ एडजस्टिंग बेसिसिटी वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फार्मूला वगैरह ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है इसमें, ये चीज़ें। और यहाँ से आपका यूनिट जो है ख़त्म हो सकता है। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस PDF को आप पूरा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ये जो लास्ट पार्ट हम ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF होगा, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए और अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा इसमें 5वां यूनिट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अरेंज है, और सिलेबस का फोटो भी इसमें एकदम लास्ट में दिया गया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू।